तो ये है भाई वायरल टॉर्च जो आजकल काफी ज्यादा चल रही है और उसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। इसमें ग्लास ब्रेकर है, सीट बेल्ट कटर है एंड फ्लैशलाइट में काफी सारे मोड है, इवन इसमें पावर बैंक भी है। एक्चुअली में काम का है भी या फिर नहीं, और मैंने तो भाई काफी सस्ते में ले लिया इसको। बीआर टेक फिल्म्स में आपका स्वागत है और मैं गैजेट्स की सीरीज लेके आया हूँ। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा जरूरी देख लेना, और भी काफी सारे एपिसोड्स आ रहे हैं और मैं अलग अलग तरह के आपको गैजेट दिखाऊंगा। तो ये एलईडी टॉर्च जो मल्टीफंक्शनल टॉर्च है, 3 वाट की टॉर्च और काफी ज्यादा पावरफुल बताई जा रही है, इसको मैंने मंगवा लिया है। मात्र 300 रुपए मैंने ली है, अलग अलग सेलर का अलग अलग प्राइस है एंड अलग अलग क्वालिटी भी है इसमें। तो ये जो मैंने ली है इसकी क्वालिटी आज चेक करने वाले हैं। इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि मैं इसको यूज़ कर लिया है, मैंने 2 दिन हो चुके हैं। बॉक्स के अंदर में ना आपको मैं टॉर्च तो निकाल रखी है, एक ये चार्जिंग केबल भी मिल जाती है और ये माइक्रो यूएसबी वाली चार्जिंग केबल है। तो ये है वो टॉर्च लाइट। और ये गैजेट में ना काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, है तो ये प्लास्टिक बिल्ड, लेकिन प्लास्टिक बिल्ड को आप बहुत बेकार भी नहीं कह सकते और बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, ओवरऑल एवरेज कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पे ना आपको काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, तो सारे फीचर्स की बात करते हैं एक एक करके। यहाँ पे ऊपर ना मैग्नेट दे रखी है इसमें, तो बेसिकली यहाँ पे ये मैग्नेट जो है चिपक जाती है, लेकिन ये वाली जो मेरे पास में आई है ना इसकी मैग्नेट इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैग्नेट वाला काम तो भाई ठीक से नहीं कर रही है। टॉर्च लाइट की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं और बहुत सारी टॉर्च लाइटें हैं इसमें, वो बात कर लेंगे। यहाँ पे मिलता है आपको ग्लास ब्रेक करने के लिए एक टूल, ये टूल और अच्छी बात है। इसमें यहाँ पे कवर भी दे रखा है, तो यार लेकिन कवर की क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं है, बट ये है कि यार हाथ वाथ नहीं लगेगा आपका, इसको लगा के रख सकते हैं। तो ये जो ग्लास ब्रेक करने वाला टूल है काफ़ी शार्प है, इमरजेंसी सिचुएशंस में अपने कार के लिए वैसे दे रखा है ये ग्लास ब्रेक करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे मिल जाता है सीट बेल्ट कटर, तो इमरजेंसी में अगर सीट बेल्ट फंस जाती है तो उसको काट सकते हैं। यहाँ पे अंदर की तरफ में इसमें ब्लेड दे रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे अंदर की तरफ में ब्लेड दे रखा है और इसको एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लेके आता हूँ कुछ। तो सीट बेल्ट कटर में जो है ना बेल्ट बेसिकली इस तरीके से फंसानी है, तो मेरे पास ये है, इसको देखते हैं, ये भी काफ़ी स्ट्रांग है, देखते हैं कटती है कि नहीं कटती है। और हाँ जी कट गई है यहाँ पे, ये देखो, ओ इसको ऐसे रखा और कट गई है। तो कटर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो यार ध्यान भी रखना है, सेफ्टी तो आपको रखनी पड़ेगी इस तरह की चीज़ यूज़ करते हुए। उसके बाद में यहाँ पे देखो आउटपुट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक रबड़ दे रखा है, तो इस रबड़ को हटाते हैं और रबड़ काफ़ी टाइट है यार इसका, ये हटा लिया रबड़। रबड़ हटाने के बाद में आपको मिल जाता है यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट इस टॉर्च को चार्ज करने के लिए, और नीचे एक आपको फुल साइज यूएसबी टाइप ए वाला पोर्ट मिल रहा है और ये बेसिकली पावर बैंक का काम करेगा। अब इतनी बैटरी तो इसमें पावरफुल मुझे लगता है कि होगी नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन में देखो 2-5-10% मोबाइल को शायद ये चार्ज कर दे शायद, बट फिलहाल में हम टेस्ट करते हैं कि इसकी जो ये पावर बैंक वाला फीचर है ये कैसे काम कर रहा है। तो मेरे पास में ये एक इमरजेंसी छोटे वाली लाइट है, 10-10 रुपये की मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो जी ये भी काफ़ी मस्त तरीके से काम कर रहा है, तो इसको एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा कहा गया है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा पावर बैंक उतनी बड़ी बैटरीज में होगी नहीं, तो भैया आजकल के मोबाइल वैसे भी ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी के साथ में आते हैं, लेकिन इमरजेंसी में आपको 2-5-10% मोबाइल को ऑन करना हो तो भाई वो काम ये कर जाएगी। अब बात करते हैं टॉर्च लाइट की, तो एक तो इसमें यहाँ पे आपको जो है टॉर्च दे रखी है और एक यहाँ पे टॉर्च दे रखी है जो टेबल लैंप का काम करेगी। तो यहाँ पे दे रखा है सिंगल बटन, इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पे पहले टॉर्च जलती है जो कि ज़्यादा पावरफुल है, और इसको रात में मैंने टेस्ट किया है तो वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। दोबारा दबाने पे ये डिम हो जाती है और तीसरी बार दबाने पे यहाँ पे ये देखो इस तरह से फ्लैश होने लग जाती है, तो इमरजेंसी में अगर आपको सिग्नल विग्नल भेजना है ना दूसरी तरफ तो ऐसे आप फ्लैश कर सकते हो। चौथी बार दबाएंगे तो ये टेबल लैंप वाला नीचे वाला हिस्सा जो है जल जाता है। तो अभी रात का समय है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और हम बाहर यहाँ पे आ रखे हैं, और सामने ना एक पेड़ है, काफ़ी बड़ा पेड़ है। इस पेड़ पे इस फ्लैशलाइट को मार के देखते हैं, और वैसे ना इसका थ्रो डिस्टेंस काफ़ी कमाल का है, आप देख सकते हो यहाँ पे थ्रो डिस्टेंस इसका लाजवाब है। 3 मोड्स मिलते हैं, पहले में काफ़ी ब्राइट है, दूसरे में जो है इसकी इंटेंसिटी ब्राइटनेस की थोड़ी कम हो जाती है, और तीसरे में ये लाइट फ्लैश करने लग जाती है। तो ये देखो आप, और अब हम रूम में आ चुके हैं, यहाँ पे देखो आप अंधेरा है और यहाँ पे भी देखो यार काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और अब हम आ चुके हैं स्टूडियो में, अगेन रात का समय, और यहाँ पे भी आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हो यार क्या काफ़ी मस्त है। तो ओवरऑल यार टॉर्च की ब्राइटनेस तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। अगर बात करूँ मैं इस टेबल लैम्प की, तो ये देखो मैं टेबल लैम्प को इस समय यूज़ कर रहा हूँ, टेबल लैम्प जो है इसका ये भी काफ़ी ब्राइट है, इवन रात में इस तरह से फोटोज़ वगैरह लेनी हो, वीडियो शूट करना हो, इवन बुक रीड करनी हो, तो उस टाइम पर ये काफ़ी काम आ जाएगी। एंड 300 रुपये के हिसाब से यार वर्थ द मनी है ये प्रोडक्ट।
बैटरी बैकअप की बात करूं तो यार इसका बैटरी बैकअप जो है ऑलमोस्ट यार 40 मिनट्स के आसपास मुझको मिला है। डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अगर आपको ये सेम प्रोडक्ट लेना है ना तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर ऐसा ना हो आप कोई और प्रोडक्ट ले लो फिर आप उसको कंपेयर करो मेरे वीडियो से, तो भाई मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एंड ये आप जरूर लेना डिस्क्रिप्शन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक करना, मैं इस तरह के गैजेट्स दिखा रहा हूँ लगातार, ऐसे एपिसोड्स आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और गैजेट दिखाने वाला हूँ, सब्सक्राइब कर लो।